तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICICI बैंक के स्टेटमेंट के बारे में। बहुत से लोगों को स्टेटमेंट निकालने में प्रॉब्लम आती है और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ICICI बैंक का एक जो प्रोसेस है ना, जिसका जो ऐप है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरे पास भी ICICI बैंक का जो ऐप है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह से ICICI बैंक का स्टेटमेंट जो है आप निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी महीने का हो, किसी भी साल का हो, आप बहुत ही आसान तरीके से ICICI बैंक का स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वसीम टेक सॉल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह के कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ICICI का जो ऐप है वो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स की मदद से मैं यहाँ पर इस ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट मैंने यहाँ पे इनेबल कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा जो ऐप है वो लोडिंग ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ICICI बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को भी यही लगता है कि इसका जो ऐप है ना वो बहुत ही स्लो वर्क करता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर ये ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अगर आप अपना बैलेंस चेक करने जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यू बैलेंस का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अपने बैलेंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बैलेंस यहाँ पे शो करता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप कहाँ से स्टेटमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक विंडो ओपन हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट है और मेरा अकाउंट नंबर है। यहाँ पर मुझको टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लास्ट ट्रांजेक्शन आपको 10 दिखा रहा है। इसके ठीक बगल वाले में आप देख सकते हैं डिटेल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं मोर ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल्स स्टेटमेंट, ओके। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको वो डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है जिस डेट से आपको कोई भी स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, ठीक है। जो रैंडम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आप देख सकते हैं लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 1 ईयर। इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा भी कोई स्टेटमेंट अगर चाहिए होगा तो आप यहाँ पे कस्टम डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट डेट पे क्लिक कर लेता हूँ, मुझे कस्टम डेट चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2023 कर लेता हूँ, ओके। और एंड डेट में मैं यहाँ पर आज का डेट यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो पिछले एक साल में जो मेरा स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड कर दूंगा। अब ये एक साल का स्टेटमेंट है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी स्टेटमेंट जितना पुराना होगा उतना आपको लोड लेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सामने स्टेटमेंट जो है एक साल का यहाँ पे आ चुका है। अब इसको बारी आती है इसको डाउनलोड करने की। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर PDF का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। आप चाहें तो अपने स्टेटमेंट को आप PDF भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंड ओवर ईमेल लिखा हुआ है, ओके। अगर आपको यहाँ पर PDF देखना है तो आप सिंपल यहाँ पर व्यू PDF पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने PDF में आपको यहाँ पर शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ईमेल पे चाहिए, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डेट मेंशन है और यहाँ पे आपका आज का डेट मेंशन है, ठीक है। ईमेल आईडी अपना कंफर्म कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा। अगर ईमेल आईडी गलत होगा फ्रेंड्स तो आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी वहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर अपने उस ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर सेंड ईमेल पर क्लिक करेंगे। तो आपका विद इन 24 आवर्स में आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपका स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मुझे अभी इस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे सेंड ईमेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ज़रूरत अगर होगी तो आप सिंपली यहाँ पे सेंड ईमेल पे आप क्लिक करेंगे। विद इन 24 आवर्स में आपका स्टेटमेंट आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।